लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का। हम बात कर रहे हैं दोस्तों आशियाना अमारा। आशियाना अमारा फेज थ्री का रेरा आ गया है और ये जल्द ही ईवाई है वो बैंकेबल करना शुरू हो कर देंगे। और आज के इस वीडियो में आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरीके से क्या टावर लेके आ रहे हैं और हमें इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दोस्तों आशियाना अमारा ने पहले जब लॉन्च की थी फेज वन फेज टू, तो फेज वन 99 लाख से शुरू किया था और 120-125 तक इसमें जो है वो चीजें आई थी। उसके बाद 1.19 से लेके 2.40 तक की चीजें थी। अब जो चीज आ रही है वो 1.80 से लेके 2.5 करोड़ तक की चीजें हैं, यानी 3 BHK 2 टॉयलेट और 3 BHK 3 टॉयलेट। इसमें और पुराने फेज में क्या डिफरेंट है हम आगे समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आपको मैं एक मैप के अंदर भी समझाऊंगा कि अभी इसके अंदर कौन कौन से टावर हैं वो लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों इसका बेनिफिट क्या मिलेगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों डेवलपर के बारे में। डेवलपर बहुत अच्छा है, पहले से इनके काफी अच्छे हाई राइज प्रोडक्ट हैं। भिवाड़ी के अंदर भी इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ये बेसिकली डिफरेंट तरीके से प्रॉपर्टी को रेडी करता है, यानी ये किड सेंट्रिक के ऊपर काम करता है, जिसके अंदर बच्चों के खेलने का जो स्पेस है वो काफी अच्छा इसके सोसाइटी के अंदर मिलता है। आपके ओल्ड एज पीपल्स के लिए भी काफी अच्छा स्पेस ये बना के देते हैं, मतलब ये एक फील देते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। और दूसरा ये सोना के अंदर भी इन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है, डिलीवर्ड हो चुका है, लोग रह रहे। आप इसमें अगर ट्राई करना भी चाहते हैं तो आप एक बार सोना के अंदर इनका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि किस तरीके की ये प्रॉपर्टी है उसको डिलीवर करते हैं। उसके बाद गुड़गांव के अंदर ये पहला ही प्रोडक्ट है और पहले प्रोडक्ट में 22 एकड़ का प्रोडक्ट है जिसके अंदर 21 टावर आने हैं। ऑलरेडी ये 8 टावर पहले 2 फेज के अंदर सोल्ड कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है और फेज वन में मोस्टली टावर बनने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो हाइट है टावर की वो है आपकी 14 स्टोरी और हर फेज के अंदर ये 4 टावर लॉन्च करते हैं। फेज वन में इन्होंने आपका 3-2 फिर 3 BHK 3 टॉयलेट फिर 4 BHK अपार्टमेंट लॉन्च किए थे। फेज टू में थोड़े डिफरेंट आए थे और फेज थ्री में अब 3 BHK 2 टॉयलेट और 3 BHK 3 टॉयलेट के जो साइज है वो आने वाले हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस ये भी कर सकते हैं कि जो लोकेशन है इसकी आशियाना अमारा की न्यू गुड़गांव के अंदर पड़ती है और न्यू गुड़गांव के अंदर 2 करोड़ के अंदर अगर हम देखें तो गोदरेज और आशियाना अमारा ये 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं। गोदरेज के अंदर भी 1400 स्क्वायर फीट से लेकर 2800 स्क्वायर फीट तक की प्रॉपर्टी आती हैं, वहां भी आपका वही 2 करोड़ से स्टार्टिंग हो जाती है वहां भी। उसके बाद अगर आशियाना अमारा की भी देखें तो यहाँ पे जो 3 BHK 2 टॉयलेट है वो 1.80 से लेकर 2 करोड़ तक मिलता है और 3 BHK 3 टॉयलेट वो आपका 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक का रेट वैल्यू आती है। अब डिपेंड तो दोस्तों आपको मैं एक बार इसका जो लेआउट है साइट का वो डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार इसका लेआउट है वो दिखाता हूँ, इसकी साइट के ऊपर है वो किस टाइप से ये चीजें है डेवलप होगी। दोस्तों ये जो लेआउट है ये टोटल 22 एकड़ का प्रोडक्ट है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो 21 टावर है, यानी 20 और 21 यहाँ पे आते हैं। ये जो मेन रोड है ये आपका 60 मीटर वाइड रोड है और 12 मीटर की जो सर्विस लाइन है इससे ये एंट्री होती है। आज अगर आप साइट पे जाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये बना दिया गया है, यहाँ पे आपकी सेल्स गैलरी और आपके जो सैंपल फ्लैट है वो यहाँ पे बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे गेट लगा हुआ है, ये फेज वन का पार्ट है जो आप ग्रीन और ये देख रहे हैं, ये सारा फेज वन का है। उसके बाद फेज टू का जो पार्ट है ये वाला पार्ट आ जाता है फेज टू के अंदर। और अगर हम फेज थ्री की बात करें, फेज थ्री में जो ये 2 टावर हैं, ये 2 टावर हैं 3 BHK 3 टॉयलेट के और ये जो 2 टावर हैं ये हैं आपके 3 BHK के और 2 टॉयलेट के। यानी अगर आप 2 यूनिट अगर इस टावर में जाते हैं तो ग्रीन फेसिंग, 2 यूनिट इधर जाते हैं तो ग्रीन फेसिंग, 2 यूनिट इधर ग्रीन फेसिंग और 2 यूनिट इधर ग्रीन फेसिंग, यानी 3 BHK 3 टॉयलेट के अंदर 4 यूनिट आपकी ग्रीन फेसिंग है। और यही ग्रीन फेसिंग सबसे बड़ा पार्ट है इस सोसाइटी का, क्योंकि आगे जब टावर आएंगे तो चारों ग्रीन फेसिंग की यूनिट नहीं मिलेंगी। ये आप मान सकते हो कि ये जो 2 टावर हैं 3 BHK 3 टॉयलेट के ये सबसे प्रीमियम टावर हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद अगर हम 3 BHK 2T की बात करें तो 2 यूनिट इस टावर के और 2 यूनिट इस टावर के आपकी ग्रीन फेसिंग करेंगे। अगर इधर की भी यूनिट आती है तो इधर वाला फेस आता है और इधर वाली यूनिट लेते हैं तो इधर वाली ग्रीन, इनके लिए दोनों की ही विजिबिलिटी बनती है। ये जो 2 यूनिट है इस साइड वाली, ये जो यूनिट है ये आपकी सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर है इस साइड, उसको फेस करेंगे और 24 मीटर का रोड यहाँ पे है उसको फेस करेगा। और ये जो ग्रीन एरिया है ये सारा का सारा आपका जॉगिंग ट्रैक, स्पोर्ट्स, बच्चों के खेलने की स्पेस ये सारी है, बाकी ग्रीन जो यहाँ पे आता है ये सारा आता है। इधर आपका लर्निंग हब हो गया, इधर आपका कम्युनिटी जो क्लब हो गया इस साइड आ जाता है। उसके बाद फेस आपके अलग अलग ओपन होने हैं। उसके बाद ये टावर हैं ये ओपन होंगे,
उसके बाद फिर ये टावर ओपन होने हैं और फिर ये वाला जो फेस है ये ओपन होना है। टोटल 22 एकड़ का प्रोडक्ट है दोस्तों। तो इसमें समझने वाली बात दोस्तों ये है कि ये जो फेस है ये फेस आपका थर्ड फेस आ जाता है और इसी फेस के अंदर सबसे प्रीमियम जो टावर आएंगे वो आपके आने वाले हैं, तो इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये साइट प्लान था और आप समझ भी गए होंगे कि आपके सामने कौन कौन से टावर हैं। अभी साइट विजिट ओपन करने वाले हैं जल्दी से और बाजार के अंदर काफी यूआई चेक हैं वो अवेलेबल भी हो चुके हैं, तो यानी अलॉटमेंट की फिर से फाइट है वो आने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आज आप एंड यूजर के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप ट्राई करते हैं तो दोबारा इस टाइप का रेट और इस टाइप के जो टावर है वो देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आशियाना की एक कंडीशन है कि आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से पहले सेल आउट नहीं कर सकते हो, आपको रजिस्ट्री तक कंटिन्यू करना होगा। और रहने के लिए ये प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत अच्छा है अगर आप एंड यूजर के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि आशियाना एक अलग तरीके की प्रॉपर्टी बनाता है। बट एक ये बात है आपको मैं शेयर भी कर देता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये नॉन माई वन है, यानी इसमें ब्लॉक से आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रही है। उसके बाद लोन प्रॉपर हो जाता है, रेपुटेटेड डेवलपर है, रेरा आ चुका है और जल्द ही ये चेक है बैंक करना शुरू कर देंगे। एक ये छोटी सी अपडेट और प्रोडक्ट की डिटेल आपको देनी थी। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, आसपास डीएलएफ के बिल्डर फ्लोर हैं, सिग्नेचर के फ्लोर हैं, बेस्टेक की संस्कृति है और स्कूल आसपास बहुत अच्छे हैं। 60 मीटर वाइड रोड से मेन एंट्री आती है और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आपका मानेसर आप जा सकते हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे, पटौदी रोड, कहीं भी इस लोकेशन से आप जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट के अंदर तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मिल के डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आप यूआई देना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।